राम राम भैया। राम राम भैया, राम राम। मेरा नाम अनिल कुमार प्रस्थ है और प्रधान संस्था समनापुर से आया हूँ। मेरा नाम है मोनिंद्र दास मानिकपुरी। भैया यहाँ मैं टमाटर गोभी का सब्जी लगा रहा हूँ। आज यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं भैया? आज भैया मैं यहाँ दीमक के रोकथाम के लिए दवाई बना रहा हूँ और दवाई का छिड़काव करना है। ये जो दवाई बना रहे हैं भैया, इसके लिए क्या क्या सामग्री लगते हैं बताएंगे? हाँ भैया बताऊँगा भैया। बताइए। 5 लीटर का मटका है, 4 लीटर पानी है। अच्छा। अपने पास यदि डीजल हो, ये जला हुआ ऑयल हो, या तो फिर मिट्टी तेल, तीन में से यदि जो चीज़ भी है अपने पास, तो एक चीज़ का अपन उपयोग कर सकते हैं भैया, चाहे मिट्टी तेल हो चाहे ऑयल। ये क्या है? ये मिट्टी तेल है भैया। अच्छा, डीजल और 1 लीटर मिट्टी तेल है इसमें। डीजल और ऑयल और मिट्टी तेल, हाँ, इनमें से एक का उपयोग करना है। करना है। अच्छा, तो आपने मिट्टी तेल किया? मिट्टी तेल किया भैया। 3 लकड़ी की जरूरत भैया स्टैंड बनाने के लिए भैया। अच्छा, ये स्टैंड बनाते हैं? हाँ भैया, इससे स्टैंड बनाएंगे भैया। 3-3 फीट का 3 लकड़ी है भैया। इससे किसके लिए बनाते हैं भैया ये स्टैंड? इसलिए बना रहे हैं भैया, जो मटका है इसको ऊपर लटकाने के लिए भैया। आपने तो सामग्री के बारे में बता दिया भैया, है ना? अब इसको कैसे बनाते हैं दवाई बताएंगे? मटका है भैया, इसमें ये खीले की सहायता से भैया इसके बीच हिस्सा में छोटा छेद करना है भैया। जैसे अपन घरों में भैया चिमनी का जो छेद करके बाती बनाते हैं भैया, उसी टाइप के हम बाती लगाना है भैया। हल्का हल्का ऐसे छेद करते हैं भैया इसको आराम से, ताकि मटका भैया इसका मटका का नीचे सिर है भैया, जिसमें खीले की सहायता छेद कर रहा है भैया। ये मटके में छेद हो गया भैया, अब इसमें बाती लगाएंगे। इसमें बाती लगाना है? हाँ भैया लगाइए बाती। ये कपड़ा है भैया, इसके हम बाती बनाएंगे भैया। बाती बना करके मटके में लगाएंगे ना? हाँ भैया, इसको ऐसे करके और बाती बना के भैया इसको मटके में लगाएंगे। ये बन गया भैया बाती अपना, तो मटके में लगा रहा हूँ भैया इसको, अंदर से ऐसा लगाना है ये छेद। बाती लगा रहे हैं ना? हाँ भैया, ये बाती लगा रहा हूँ। ये इस तरह से बाती रहनी चाहिए। हाँ भैया, तबेलम भैया 4 लीटर पानी है भैया। अच्छा, बाती के बाद भैया ये पानी डालते हैं 4 लीटर। ये 4 लीटर पानी रखना है ना मटका में? हाँ, ये 4 लीटर पानी हो गया भैया। ठीक है, यदि मिट्टी तेल नहीं रहता तो इसके जगह भी अपन आयल भी डाल सकते रहे, जला हुआ आयल, ये फिर डीजल भी हो तो वो भी बन जाए भैया। ये तीन चीज़ में कोई भी चीज़ हो भैया, आप अपने पास का है भैया मिट्टी तेल है, इसलिए हम मिट्टी तेल डाल रहे हैं भैया। ये कितना डालते हैं भैया इसमें? 1 लीटर है भैया मिट्टी तेल। 4 लीटर पानी में 1 लीटर मिट्टी तेल भैया। अच्छा, तो भैया मैं उसके बाद ये मिट्टी तेल डाल रहा हूँ भैया मटके में। ठीक है, ये हो गया भैया 1 लीटर, 4 लीटर पानी और 1 लीटर मिट्टी तेल को मटका के अंदर ये लकड़ी की सहायता से घोल रहा हूँ भैया। ये मिल गया भैया अच्छी तरह से भैया। ये अभी लकड़ी का हम भैया स्टैंड बनाए हैं भैया मटका को बांधने के लिए। लकड़ी बांध देना? हाँ भैया, लकड़ी को ऐसे करके बांध देना चाहिए, ताकि अपन यहाँ बीच में मटका को लटका सकें। इसको इस प्रकार से अच्छा कस के बांध देते हैं भैया। ये भैया अच्छी तरीके से बंध गया भैया, स्टैंड अपना हो गया मजबूत भैया। स्टैंड को कहाँ लगाएंगे भैया? भैया स्टैंड को भैया उस जगह में लगाएंगे जहाँ की हमारे जो पानी का मैन है खेत का, जहाँ से पूरा खेत में पानी जाएगा भैया हमारा, यहाँ से उस जगह पे लगा देते हैं भैया इसको। उसके बाद क्या करेंगे अब? उसके बाद भैया अब हम इसमें मटका को बांधेंगे भैया, लटकाएंगे। हाँ, लटकाइए। ये क्या है दवा? ऐसे बूंद बूंद से टपकता रहता है भैया मटका से भैया ये घड़ा से, ताकि ये पूरे खेत में दवा फैलते जा रहे हैं भैया सिंचाई के साथ साथ। तो 5 या 10 मिनट के बाद बाद में भैया मटका का जो दवा है भैया उसको हिलाते रहना चाहिए भैया लकड़ी से भैया ऐसे। हाँ भैया, इस प्रकार से जो दवाई आपने बनाई है तो इसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए?
हाँ भैया, इसमें ये सावधानियाँ रखना चाहिए भैया, ये लकड़ी से भैया इसके जो मटका में जो हमारे दवा है भैया, उसको लकड़ी से हिलाना चाहिए भैया, हिलाते रहना चाहिए भैया। अच्छा। और एक चीज़ ये है भैया, एक सावधानी और है, अपन इसमें जो बाती लगाए हैं भैया मटका में, अच्छा, उससे बूंद का भैया टपकता है या नहीं टपकता, उसको ध्यान देना चाहिए भैया। इसके क्या लाभ है भैया? इससे ये लाभ है भैया, जो ज़मीन में दीमक का जो प्रभाव होता है भैया, वो कम हो जाता है भैया। और का है, पौधे अच्छी हष्ट पुष्ट होते हैं भैया, और इसका जो उत्पादन पैदावार है वो अधिक हो जाता है भैया, इससे ये लाभ है भैया। दीमक की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं आप जिस तरह से दवाई बनाए हैं भैया। हाँ भैया, तो और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? भैया मैं ये सोच रहा हूँ भैया, जैसे मैंने इस दवा को उपयोग किया भैया, मेरे को तो लाभ समझ में आया, इसी प्रकार हमारे सभी किसान इसको उपयोग करें। अपना कीमती समय दिया भैया और इस दवाई को बनाकर भी दिखाई, इतना अच्छा जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम भैया। राम राम भैया।